जनपद के पैलानी तहसील अंतर्गत ग्राम साणी के महिलाओं ने कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी की अर्थी निकालकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वह इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री का घेराव भी करेंगी। प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व कर रही उषा निषाद ने कहा कि गांव की एक बड़े दो पैमाइश रह गई है। पैमाइश कराने के लिए कई बार ग्रामीणों ने प्रार्थना पत्र भी दिया लेकिन प्रशासन ने इस समस्या का समाधान नहीं किया। पैमाइश न होने की वजह से चकबंदी में जो चक काटे गए थे उसमें वर्तमान प्रधान और उसके गुर्गे अवैध कब्जा किए हुए हैं। प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई न होने से गांव के किसान 16 अक्टूबर से अनशन पर बैठ गए थे जिनको जिलाधिकारी ने 22 जून को पैमाइश कराने का आश्वासन देकर अनशन खत्म करा दिया था जिससे मजबूरन महिलाओं को सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करना पड़ा। महिलाओं ने चेतावनी दी है कि अगर प्रशासन अभी भी नहीं चेता तो वह उग्र आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेंगी। बावन धारा कब्जा परिवर्तन हो गया, पैमाइश के लिए टीम गई है, आज ही 1/2 तक पैमाइश कर चुकी है, बाकी अधूरा छोड़ दिया गया है जिसमें पब्लिक परेशान है। मतलब ये भाई साहब जब काम नहीं हुआ है, पैमाइश नहीं हुई है, हम दे के ज्ञापन जिलाधिकारी को, कल भी आकर के हम लोगों शाम के 5 बजे जिलाधिकारी से मिले, हमने कहा सर उसकी जो आधी पैमाइश रह गई है उसकी पैमाइश करा दीजिए, हम लोग अपना खेत चक जोते हैं, लेकिन जिलाधिकारी SDM पैलाने के लिए कह देते हैं।